हो गई है या फिर उसकी शुरुआत हो रही है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हम टेस्टिंग? ठीक है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी बिल्कुल जी अच्छा, तो बिल्कुल मैम, मैं बेसिकली आपकी जो, आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ऑलरेडी, जिनको एंजाइटी है या शुरू हो रही है, उनको मैं बोलती हूँ कि आप अपने ऊपर, अपने मेंटल इनर एनवायरनमेंट पे फोकस करें, जिससे कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें। उनमें से नंबर वन मैंने आपको बताया था कि जो भी उनकी हॉबीज या इंटरेस्ट हैं, उससे आजकल वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वो उससे करें। प्लस एक डिसिप्लिन डे रखें अपना। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिससे कि फील गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, सेरोटोनिन और जितने भी फील गुड हार्मोन्स हैं, उसके लिए आप बेशक थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या वर्चुअल जिम कर लीजिए। प्लस मैं मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग पे बहुत एम्फसाइज करती हूँ। होलिस्टिक का मतलब है कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों एक हार्मनी में होनी चाहिए। तो होलिस्टिक काउंसलिंग का मतलब होता है कि बच्चों को बताया जाए कि जो माइंड का इफेक्ट है वो बॉडी पे आता है और हमारी स्पिरिट सोल पे भी आता है, स्पिरिट पे आता है। तो इसलिए उनको माइंड की कैसे केयर करनी है, बॉडी कैसे केयर करनी है, सोल की कैसे केयर करनी है, तो प्रैक्टिकली मैं उनको ये सिखाती हूँ, जो कि मैं अभी बता सकती हूँ। एकदम बच्चों को मैं बोलूंगी कि 1 घंटा अपने लिए निकालें, जिसमें सबसे पहले साइलेंस में बैठें और डीप ब्रीदिंग करें, डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग, जो कि एक लंबी सांस आप नीचे से खींचते हैं स्टमक के नीचे, एब्डोमेन से, और फिर आप उसको ऊपर लेके जाते हैं लंग्स तक, फिर आप होल्ड करते हैं और फिर आप उसको मुंह से रिलीज करते हैं। ये आप जब 7-10 मिनट करेंगे तो देखेंगे कि आपका जितना भी माइंड ओवर एक्टिव वर्क कर रहा था वो अपने आप स्लो हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी जो दिमाग रेस कर रहा था वो स्लो डाउन हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं उनको माइंडफुलनेस मेडिटेशंस होती हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल और आपको ग्राउंडेड ग्राउंडिंग हो जाती है, आप बहुत सेंटर्ड और काम और स्टेबल हो जाते हो। और फिर एफर्मेशंस मैं उनको सिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इससे बिल्कुल फिर वो रोज रोज अगर अपनी लाइफ में ये एक्चुअली में रूटीन में लाएंगे, तो वो देखेंगे कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रख पा रहे हैं और इतने ज्यादा विचलित नहीं हो पा रहे हैं। प्लस मैंने बोला था, जैसे ये कुछ एप्स हैं जिनको वो सुन सकते हैं, जैसे कि काम, CALM, फिर एक मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये बच्चे जो अगर सुन रहे हैं लिख सकते हैं, काम, कोरू, KORU, और स्ट्रेस बस्टर, और हेड स्पेस। ये कुछ एप्स हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं। रात को सोने से पहले बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगी कि आप अपने व्हाट्सएप और ये सारे सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस बहुत आ रहे हैं बच्चों को आजकल। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, सबको, सबके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत खराब हो गए हैं। इसलिए रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप अपना सोशल मीडिया, न्यूज सब डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप अपना जो रूम का एनवायरनमेंट है उसको रिलैक्सिंग बनाइए। आप ऐसे मेडिटेशन जैसी ऐप सुने और अपने रूम की लाइट थोड़ा डिम रखिए। रात को गर्म दूध पीजिए, गर्म वार्म बाथ लीजिए, और एक बेड में आप लेटकर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जिसमें हम मसल्स को टेंस रिलैक्स करके पैरों से लेके सिर तक जाते हैं, जिससे कि सारी बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और साथ साथ में सांस भी हम वी वॉच आवर ब्रेथ, जिससे कि हमारा माइंड भी स्लो हो जाता है। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को हार्मोनियस बनाकर फिर आप कॉन्शियसली, फिर आप सोएंगे कॉन्शियसली, रिलैक्स करके फिर आप अच्छी नींद और साउंड स्लीप ले पाएंगे। तो ये सारी टिप्स हैं जो आजकल मैं बच्चों को करा रही हूँ, जो मेरे पास आते हैं। और मैम, मैं आपसे हाँ जी, एक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, कि अगर आप टेली कम्युनिकेशन भी करती हैं क्या मैम? जी हाँ जी, हाँ जी, मैं करती हूँ टेलीकॉम काउंसलिंग, अब शुरू कर दी जी है। काउंसलिंग सॉरी जी। तो मैम, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है मैम कि अगर आपकी परमिशन हो मैम, तो हम अपने शो के माध्यम से या फिर शो के बाद अपने NGO के माध्यम से मैम, क्या आपको भी इंक्लूड कर सकते हैं मैम टेली काउंसलिंग के लिए मैम? हाँ श्योर, आप कर सकते हैं। मुझे आप एक बार अलग
बिल्कुल यू नो यू कैन टॉक टू मी सेपरेटली कि कितने आवर्स के लिए मैं आपको अपने आवर्स